आंवला कोतवाली क्षेत्र के गांव शादीनगर में दबंग गरीब की जगह पर कब्जा करना चाहते थे। दबंग ने महिला समेत सभी परिवार वालों को पीटा। कोतवाली आंवला क्षेत्र के ग्राम शादीनगर में एक गरीब परिवार अपना जगह का निर्माण करा रहा था, तभी गांव के ही उन्हें नामचंद अन्य लोगों ने भगवान सिंह और उसकी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने जैसे तैसे बचाया। ग्रामीणों ने बताया कि इनका बंटवारा लगभग 80 वर्ष पहले हो चुका है। अब नियत खराब होने की वजह से भगवान सिंह उसके भाई हरपाल सिंह से जबरदस्ती जगह छीनना चाहते हैं। नेमचंद दबंगाई के चलते लोगों का रहना मुश्किल है। आपको बता दें कि गांव शादीनगर के प्रधान देशपाल कश्यप का कहना है कि जगह भगवान सिंह की है, लेकिन दबंग नेमचंद जबरदस्ती जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रधान जी देशपाल ने बताया कि इसी के बराबर से रास्ता भी निकल रहा है जो कि सामाजिक है, उसे भी यह दबंग व्यक्ति नहीं निकालने दे रहे हैं। पीड़ित भगवान सिंह ग्रामीण के साथ अन्याय के लिए पीड़ित भगवान सिंह ग्रामीणों के साथ न्याय के लिए एसडीएम के यहाँ पेश हुआ है। क्या नाम है आपका? प्रेमवती। क्या समस्या है आपको? हमारी जगह को कब्जा करना चाहते हैं, हमारी जगह से। अच्छा, तो कब्जा कौन करना चाहते हैं? हमारे जी हंगे बताओ, दिनेश, हरिओम और नेमदार, नेमचंद। अच्छा, जी लोग सब कब्जा कर रहे हैं हमारी जगह। डंडा की जोर से कर रहे हैं जगह सब हमारी। किसी अधिकारी से इसकी शिकायत नहीं की गई? की गई, मतलब जो मानता ही नहीं है, बेहा है, डंडा ही जोर से छीनना चाहते हैं। कितने, जैसे कि आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारे जी दो जी जन है, हमारे ना सास ना ससुर कोई नहीं है, इनके सारे हैंगे। अच्छा, हमें घर से निकालने की धमकी दी जाएगी, जबकि इसे घर से निकाल दो तो मैं ये जगह नहीं लूंगी। अच्छा अच्छा, आपको निकालने की धमकी किसने धमकी किसने दी है? इन्हीं ने, सबने दी है। अच्छा, प्रेमचंद ने, हरिओम ने, उनकी पत्नी ने। अच्छा, इसे घर से निकाल दो, मुझे जगह से कोई मतलब नहीं है, और हमारे बच्चों को मारने की धमकी दी है। क्यों? जान से मानो, अगर कुछ भी हो गया मेरे बच्चों को, मेरे देवर को, कहीं भी हो गया तो इंजाम इन पे आएगा, जान से मारने की धमकी दी है। और घर में घुस के सारे लोग मारते हैं। आज क्या मामला रहा यहाँ पे? आज मैं अपनी बना रही थी, जिनने आके सबने जो नीक हो दी थी। अच्छा, हमने मना करी थी तो जिन माने तो फिर उन लोगों ने नहीं खोदी है। हाँ, उन लोगों ने खोली थी, हमने मने के लिए सारी YouTube वो लोग कब्जा करना चाह रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, आगे कब्जा करना चाह रहे हैं हमारी जगह पे। जो कहते इसे निकाल दो, परिणाम थोड़ा इधर ले जाइए। जगह पे अवैध कब्जा हो रहा था, इतनी पे कब्जा कर रहा हूँ, इतनी पे कब्जा करना चाह रहे हैं। नदी बाड़ी हुई जगह थोड़ी ना यही है, देखो नदी बाड़ी, ये ग्राम सभा की जगह, आज पार्टी है, सिरसे बाड़ी है, हम बच्चे आएंगे तो हमारे जबरिया छीनना चाह रहे हैं। भीड़ भैया, भीड़ थोड़ा ना हट जाओ ना, थोड़ा भीड़ मत करो, इसके कैमरे की कैद में थोड़ी भीड़ भी आई तो परेशानी का सबब बन जाएगी। प्रधान हमारे बाप दो भैया ही, बंटवारा हो चुका, बंटवारा हो चुका, आप तीन पुट्ठे बदल गए, समझे, तीन पुट्ठे बदल गए, बंटवारा हो चुका, अब भी बार बार बंटवारा होगा, ये बताओ। कितने समय पहले बंटवारा हुआ? बहुत साल होंगे, हमारे दादे मिनिमम कितनी साल हो गए होंगे? अरे काफी साल हो गई, साल तो बता दे, काफी साल हो गए। हमारी यही जमुना बुआ तब का बंटवारा हुआ है, दादी बाबा की बुआ ही, बाबा की बुआ, हमारे बाप की बुआ, बाप की बुआ ही हमारी, हमारे बाबा की बहू मर गई, फिर हमारी दादी बहू मर गई, हमारे भैया भौजाई बहू मर गए, बाप में सब मर गए, हमारे जो भतीज रहे, भतीज रहे, समझे, जो बच्चे रह गए सब मर गए, यही ठेरा पे, समझे। तो ये हमने पार्टी है, इसमें कोई हकदार ना किसी को, पूरे गांव वाले का, नहीं बकरी वाले का, न पड़ोसी वाले का। ये जो भगवान सिंह है, ये कौन है आपके? आपके भतीजे। अच्छा, भतीजे दो भाई हैं, दोनों हमारे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। और ये दिनेश मुनेंद्र मैम और नेमचंद हरिओम, ये कौन है? ये हमारे बड़े भाई के लड़का है। इनकी जगह यहाँ पर कहाँ पर? नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इनकी कौन सा इधर कहते हैं। इसकी कभी आपने एसडीएम साहब को कोई शिकायत नहीं दी? अरे किसी की मानते नहीं है, किसी की मानते नहीं है, पूरे गांव की नहीं मानते अपने बारे में। लौंडा गौ जाता लेके भिड़ गया, कोई छुरी लेके, कोई कुछ लेके भिड़ गया, मानने के दूसरे को ले गए।